राजस्थान में बहुत भारी जातिवाद है, वहाँ जब तक पूरे देश में, देखिए सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, बाबा साहब ने अनुच्छेद 17 में, संविधान के अनुच्छेद 17 में 26 जनवरी 1950 को ही कह दिया था कि आज से देश से छुआछात खत्म की जाती है। लेकिन आज छुआछात के चक्कर में बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो किसी भी सरकार ने क्यों नहीं आज तक वो पॉलिसी बनाई कि देश से आर्टिकल 17 के मुताबिक कि देश से छुआछात खत्म हो। छुआछात खत्म होगी तो जातिवाद खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगी तो क्षेत्रवाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगी तो उसके जेंडर के नाम पर हत्याएं होनी बंद हो जाएंगी। समाज, गुजर समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, हमारे सासी समाज और हमारे पांचाल समाज, विश्वकर्मा समाज सारे मंच पर बैठे हैं। देखो तमाम पार्टियों ने एकजुट हो गए, SC ST OBC अब जम के लड़ेगा और साथ में वर्किंग क्लास, मेहनत कस करने वाला मजदूर जो ठेके से परेशान है, निजीकरण से परेशान है, कच्ची नौकरी से परेशान है, अब वो भी मैदान में उतरेगा और जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य इस वक्त हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर SC ST OBC की जितने भी छोटी मोटी पार्टियाँ हैं उन्होंने MCD चुनाव को साथ में लड़ने का ऐलान किया है और तमाम पार्टियों का गठबंधन को तीसरा मोर्चा का नाम दिया है। तो आइए यहाँ पर क्या मतलब क्या उनकी रूपरेखा है, कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो हमारे साथ शख्स मौजूद है, सर क्या नाम है आपका? जी कैलाश कुमार सैनी। तो सर यहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मतलब उद्देश्य है? मेन मुद्दा ये है कि जो आज 23 मार्च है, 23 मार्च को शहीदी दिवस के उपलक्ष में यहाँ सभी सम्मानित यहाँ जो है सम्मान देने आए हैं और उसके साथ ही साथ एक संदेश और देना चाहते हैं कि दिल्ली में जो NCV के चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव के लिए ये तीसरा मोर्चा बना है, जिस मोर्चे का नाम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी है और महागठबंधन के नाम से है, उसी के विषय में यहाँ से दिल्ली के लिए नहीं पूरे भारत के लिए संदेश जा रहा है तीसरा मोर्चा महागठबंधन, जिसके अभी तक कौन कौन सी पार्टियाँ मतलब इसमें भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना गुर्जर जी भी हैं और अन्य भी बहुत सारी पार्टी हैं और वाल्मीकि जी भी हैं और अपना वाला ऐसा है ना, देखिए बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जिस में आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, यहाँ सभी अपना एजेंडा लेके और झंडे बैनर के साथ में आए लोग हैं संगठन वाले। शुक्रिया। और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। ईमानदार हो, इस देश में बेरोजगारी, बेकार और महंगाई ने कमर तोड़ रखी है इस देश के लोगों की। अभी देखो 50 रुपए का वो बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया और फिर दोबारा से चुनाव में जीतने के बाद फिर दोबारा से 80-80 पैसे करके डेली के पैसे बढ़ाने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ हमने कहा कि दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव हैं और एक नगर निगम कर दिए तो हम जम के लड़ेंगे, तीसरा मोर्चा लड़ेगा जिसमें वाल्मीकि समाज से लेकर के SC ST OBC माइनॉरिटी और वर्किंग क्लास, मेहनत का जो जनरल लोग हैं जो मेहनत करते हैं ठेकेदारी पे 8-8 हज़ार रुपये में मर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? उनको पक्का करो ना। एक गरीब ब्राह्मण भी, एक ठाकुर, एक वो भी वहाँ पर एक मजदूरी कर रहा 8 हज़ार रुपये में ठेकेदारी में, अरे उनको पक्का करो ना अगर वो हिंदू है तो। लेकिन उसको सिर्फ आप धार्मिक अनुवाद में दंगे करवाने के लिए इस्तेमाल करोगे, रोजगार नहीं दोगे उसको। तो इसीलिए यहां पर हम तमाम लोग 100% तमाम यहां जमा हुए, तमाम छोटे छोटे दल मिला करके, और अब हमने चुनौती दी है कि गैर भाजपा, गैर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमने तीसरा मोर्चा बनाया और मैदान में हम कूदेंगे और इस नगर निगम को जीत करके इतिहास बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर 100% मजदूर वर्ग का, मेहनत कश लोगों का यहां पर वोट है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्योंकि आप बार बार बात करते हैं, ताली ना बजाएं कृपया करके, बार बार दलित समाज का प्रतिनिधित्व की बात करते हैं लेकिन राजस्थान इस समय दलितों के लिए एक कब्रगाह बन गया। लगातार कभी दलितों की बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, कभी देखा जाए वहाँ पे दलितों पे हमले हो रहे हैं, कभी देखा जा रहा है वहाँ पे मूंछ के ऊपर मारा जा रहा है, वहाँ पर आप क्यों नहीं जाते? देखिए बिल्कुल जाते हैं, हम यहाँ पर अलवर भी गए थे, दूसरी जगह जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर हम जाते भी हैं। लेकिन मैंने खुद यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक कंप्यूटराइज ऑफिस बनाया हुआ है, ऑनलाइन इमीडिएट हर केस को उठाते हैं, मानव अधिकार आयोग से लेकर के वहाँ के लोकल प्रशासन तक हम इमीडिएट उसको मेल के द्वारा भेजते हैं, उसका इंटरनेट का हम इसका इस्तेमाल करते हैं और लगातार हमने बहुत सारे केस जीते हैं, चाहे हाथरस केस का मामला हो, चाहे वहाँ के शिवपुरी के 49 घर हमारे समाज के जला दिए थे उसका मामला हो, चाहे हरियाणा
हरियाणा का अभी पीछे वो उसका मामला हो, हमने तुरंत उसको उठाते हैं और जहाँ तक हो पाता है वहाँ पहुँच भी पाते हैं, लेकिन हर जगह पहुँचना संभव नहीं है, लेकिन हम उनकी कानूनी लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाते हैं। लेकिन ये जो आपने कहा एक बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि राजस्थान में बहुत भारी जातिवाद है वहाँ, जब तक पूरे देश में, देखिए सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, बाबा साहब ने अनुच्छेद 17 में, संविधान के अनुच्छेद 17 में 26 जनवरी 1950 को ही कह दिया था कि आज से देश से छुआछात खत्म की जाती है, लेकिन आज छुआछात के चक्कर में बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो किसी भी सरकार ने क्यों नहीं आज तक वो पॉलिसी बनाई कि देश से आर्टिकल 17 के मुताबिक कि देश से छुआछात खत्म हो, छुआछात खत्म होगी तो जातिवाद खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगी तो क्षेत्रवाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगी तो उसके जेंडर के नाम पर हत्याएं होनी बंद हो जाएंगी। हाथरस की बार बार आप बात करें, हाथरस की जीत के बारे में बताएं। देखिए हाथरस का जो हमने वहाँ पर लड़ाई लड़ी, वहाँ पर हमने FIR दर्ज कराई, FIR हमारे नाम पर है, हमने बिल्कुल रिटर्न है, हमने FIR दर्ज कराई जिसमें कि हमने SC ST एक्ट लगवाए, जिसमें हमने दूसरे एक्ट लगवाए। और दूसरी बात, पिछले सितंबर को मैं गया था वहाँ पर, उनके गांव उनको 25 लाख रुपए नहीं दे रहे थे जो उन्होंने वादा किया था, उनको नौकरी नहीं दे रहे थे, मैंने दिल्ली आते यहाँ पर तुरंत केस लगाया और 4 हफ्तों के अंदर अंदर उनको नौकरी और 25 लाख देने का ऑर्डर करवाया। आपको जानकारी है जो हाथरस केस का आरोपी था, मुख्य आरोपी, वो जमानत पर बाहर आ गया, जैसे फांसी की सजा दी गई थी उसकी फांसी की सजा हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है, और हाईकोर्ट ने रद्द करने बाद उसे जमानत दे दी है तुरंत। देखिए कैसा ही न्याय हमारे लिए। देखिए ये तो आप देखिए, ये लड़ाई जो हमारी वो बहन वो वकील वो लड़ रही थी, जो एकदम दबंग वकील है जिसने उसको केस में लड़ रही है, हमने उस केस में हस्तक्षेप नहीं किया, हमने हम जहाँ से और दूसरी जगहों से जो घेर सकते थे हमने घेरा, क्योंकि जब एक वकील लड़ रहा है उस केस को, और वो भी कोई छोटी मोटी वकील नहीं है, उन वकील ने कुशवाहा ने केस वो लड़ा, और उसमें क्या सरकमस्टेंसेस, क्योंकि मैं भी कानून का आदमी हूँ, कई बार सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो कोर्ट में किसी प्रूफ के कमी की वजह से, गवाह की कमी की वजह से कोई निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के सिस्टम में इन मनुवादियों की नाक में नतेल डाल के गए, जिसीलिए संविधान खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने तीन लेवल का इसमें न्याय का उन्होंने सीढ़ियां बना दी हैं। नीचे अगर कोई इलाके की अगर सिविल अदालत अगर गलत फैसला दे दे तो वहाँ की हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट गलत फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जड़ में यहाँ पर राजधानी में बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी आप 3 बेंच तक जा सकते हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच और तीन जजों की बेंच, उसमें आप अपना, और अगर आपको तब भी न्याय ना मिले तब आप राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं, इतनी बड़ी आपको कानूनी लेकिन सुविधाएँ दी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि न्यायपालिका से लेकर के इस देश की आपका चाहे शासन सत्ता हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस पर कब्जा किसने कर लिया भाई? कब्जा तो इन्हीं का हो गया ना, सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया, तो अब इस बात की ये बात है कि अब हम अपनी राजनीतिक दल, अपनी आज़ाद राजनीतिक दल बना करके अब हम मैदान में हैं, क्योंकि जो वहाँ बैठे हैं इन पार्टियों से चुन करके लोग गए, बाबा साहब ने कहा था कि वो उन्हीं के लोग हैं, तुम्हारे नहीं हैं, तो विभीषणों को पहचानते हुए आज़ाद शेर अब हम मैदान में लेकर के आ रहे हैं, वो मेहनत करने वाले लोग चुनाव लड़ेंगे, वो जाएंगे संसद विधानसभा में, वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए तीसरा मोर्चा है, सैनी समाज, गुजर समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, हमारे सासी समाज और हमारे पांचाल समाज, विश्वकर्मा समाज, सारे मंच पे बैठे हैं, देखो तमाम पार्टियों ने एकजुट हो गए, SC ST OBC अब जम के लड़ेगा, और साथ में वर्किंग क्लास, मेहनत कस करने वाला मजदूर जो ठेके से परेशान है, निजीकरण से परेशान है, कच्ची नौकरी से परेशान है, अब वो भी मैदान में उतरेगा और जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ में हैं विजय कंसाना जी, जो भारतीय वीर दल के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं इस तीसरा मोर्चा। देखिए आज शहीदी दिवस के अवसर पर जिन लोगों ने अपने जान की बलिदानी देकर, अपने प्राणों की बलिदानी देकर एक सपना देखा था, एक न्यायकारी शासन की स्थापना इस देश में हो, सबको, गरीब को, कमजोर को, मजदूर को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को उसका हिस्सा मिले, वो सपना चकनाचूर हो गया देश को आज़ाद होते के साथ साथ ही। आज उसी सपने को साकार करने के लिए आज क्रांति दिवस के अवसर पर, आज शहीदी दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर 6 दलों ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था जंतर मंतर के माध्यम से, जिसके साथ साथ लगभग 4 दल और पहुँचे हैं, इस महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, लगभग 10 दलों ने यहाँ संकल्प लिया है, इस देश में पिछड़े समाज को, इस देश के शोषित समाज को, इस देश के दलित समाज को, इस देश के अल्पसंख्यक समाज को इकट्ठा होकर 85% लोगों को उनका हक दिलाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और विशेषकर हम यहाँ दिल्ली के अंदर MCD चुनाव में
मजबूती के साथ गठबंधन बनाकर एक तीसरा विकल्प खड़ा करके इस प्रदेश की राजनीति में एमसीडी के चुनाव में मजबूती के साथ जाएंगे और अपनी हिस्सेदारी सभी को दिलवाने का काम करेंगे। नमस्कार। तो सर क्या योजना है, मतलब क्या करना चाहते हो, इस प्रोग्राम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं प्रमोद बड़ाना नंबरदार, फरीदाबाद, भारतीय वीर दल पार्टी। हम लोग भारतीय महागठबंधन के नेतृत्व में यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो देश पूरा आज बना रहा है। यहाँ जंतर मंतर पर दिल्ली, जो देश की राजधानी है, यहाँ से एक संदेश देना चाह रहे हैं हम पूरे देश की राजनीति में कि आज तक जितने भी लोग पूंजीवादियों की जो व्यवस्था यहाँ चली हुई है, आम जनमानस के हक और अधिकार को जो खा रहे हैं, जो चतुराई से राजनीति कर रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे कर रहा है, कोई जाति के नाम पे कर रहा है, कोई छोटी लालच और लोभ देकर कर रहा है। आज आप देखोगे दिल्ली राजधानी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी लोगों को अपंग बनाने का काम कर रहे हैं। आज जो मुद्दा उनका था, उन मुद्दों से वो भटक चुके हैं। दलितों का, जो सफाई कर्मचारियों का जो उनका मुद्दा था, उनको पक्का करने का, सफाई कर्मचारी जो थे, आप बताइए, हम आपसे ये बात कहते हैं मीडिया कर्मियों से कि आप बताइए कि जो व्यक्ति 40,000 की नौकरी करेगा, क्या वो 2,000-3,000 का बिजली का बिल नहीं भरेगा, पानी का बिल नहीं भरेगा? तो ये नौकरी देने से बच रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर इस देश की जो राजधानी दिल्ली पर अपनी राजनीतिक कब्जा जो इन्होंने जमा लिया है। और फिर देखोगे आप कहते हैं आम आदमी आम लोगों के लिए, आज पूंजीवादियों के लिए बन चुकी है। आप देखोगे हरियाणा के अंदर एक्स एमएलए, एक्स सांसद, एक्स मंत्री, तो आप बताइए ये आम आदमी कहाँ रह गया? बात करते हैं आम आदमी की कि हम आम आदमी को अपनी पार्टी से जोड़ेंगे, आम आदमी के हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान, जवान, इन लोगों को सिर्फ ये इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं और जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखोगे दिल्ली प्रदेश के अंदर जो 449 शराब के ठेके थे, वो लगभग 4,000 के लगभग इन्होंने कर दिए। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इन्होंने शराब के प्रचलन को और ज़्यादा तेज गति से पहुंचा दिया है। ठीक है सर, धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह रिस्तल है, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से भारत। तो मतलब क्या कहना चाहते हो, मतलब आपका गठबंधन कहाँ तक जाएगा, कितनी पार्टियाँ इसमें जुड़ चुकी हैं? हमारे गठबंधन में अभी, अब से पहले हमारे साथ 43 पार्टी और 15 संगठन, लगभग 60 संगठन जो राजनीतिक और सामाजिक संगठन जुड़ के हमने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, और अब यहाँ 6-7 पार्टियों का हमारा एक फ्रंट बना है दिल्ली में, जिस पर हम जो है एमसीडी चुनाव में उतर रहे हैं और पूरी मेहनत और ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और ये बदखोरी, ये जो दिल्ली में जो बदखोरी हो रही है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे कि योजना सही बनाई जाए। क्या मतलब है ये भाई, तुम फ्री में राशन बांटोगे, फ्री में बिजली दोगे, फ्री में सब्जी दोगे, तो लाओगे कहाँ से? विकास कहाँ से होगा? जब विकास नहीं होगा तो एक दिन जनता इनके खिलाफ हो जाएगी। हम चाहेंगे कि तरीका ऐसा होना चाहिए जो सारे काम, विकास भी हो, जनता को तुम्हें लग रहा है कि बिजली जो है बिल हम ज़्यादा ले रहे हैं, कम कर दो, दरें घटा दो। फ्री का क्या मतलब है? मतलब फ्री का कह के और वोट लेने का तरीका है। तेल तिलों में से निकलता है, पुरानी कहावत है, तेल तो तिलों में से निकलेगा, सही ये हमें भी पता है, पर ये बोली वाली जनता समझ नहीं रही। और हम इन्हें, हमारा काम है कि हम इन्हें समझाने का काम करें, इन्हें जगाएंगे, इन्हें झूठ मूठ की राजनीति से बाहर करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति। ठीक है सर, धन्यवाद। तो साथियों, ये था SC ST OBC मोर्चा का, जो MCD के चुनाव दिल्ली में होने जा रहे हैं, उसके खिलाफ SC ST OBC की सभी पार्टियों ने एक मोर्चा बनाया है और वो BJP और आम आदमी को टक्कर देने का ऐलान कर रहे हैं। आपको इस खबर पर क्या सोचते हैं, आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।